हलचल सोनी आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना चैनल आज सुबह टाइम्स, हर भारतीय दिलों की धड़कन। आज सुबह टाइम्स राष्ट्र प्रेम, जन जागरूकता, जनहित के लिए समर्पित है। कल 15 अगस्त है। नवयुवक, बुजुर्ग और महिलाओं पर, हर व्यक्तियों पर यह खुशी का इजहार देखा गया। हर भारतीय 15 अगस्त को भारत के कोने में तिरंगा और खुशियों के साथ जोश जुनून का एक अलग अंदाज देखा गया है। हम सब भारतीय बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। आज हम आज़ादी के 73वां वर्षगांठ मना रहे हैं और आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना के साथ, आप सभी जहाँ भी रहें खुश रहें और देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना से हमेशा प्रेरित रहे। आगे रिपोर्टिंग देखिए, इंडिया गेट दिल्ली से। मनीष जी, आपने बताइए आज इंडिया गेट पर खड़े हैं, देश की राजधानी में, आप क्या कहना चाहती है 15 अगस्त को लेकर, कितना आन बान शान के साथ बोलना चाहते हैं? सर अभी पीछे जी स्वतंत्रता दिवस है। जी, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो हम जानेंगे कि देश के लिए क्या सोचते हैं। आखिर में देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो नवयुवक सबसे बड़ा महत्व की एक पूंजी है हमारे देश की। अभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया नवयुवकों में और हम जानना चाहते हैं उनके अंदर जोश जुनून के साथ कितना देश की भावनाओं के साथ उजागर करते हैं। जी आपका क्या नाम है? रोहित जी, आप ये बताइए आज जो इंडिया गेट पर है इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे नेशनल फेस्टिवल होता है जो कि और काट लोग आते हैं और ऊपर से कल रक्षाबंधन भी है जो बहुत ही वो है। और मैं लाइव है जी। हमारे साथ जो है एक है जो तिरंगा के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि कितना देश के लिए जो है प्यार करते हैं और देश आन बान शान के लिए कितनी ज़्यादा जो है उनके साथ जोश जुनून के साथ उनके दिल में क्या है, हम आज उनसे जानेंगे क्योंकि देश की तिरंगा के साथ उन्होंने एक पेश आए हुए। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है इंडियन क्रांति भाई। अरे मैं हरिद्वार से आया हूँ। मैं हर साल गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त दिल्ली इंडिया गेट लाल किले पर मनाने के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि हम सब भारतीय हैं, हम सबको अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, हमें जाति धर्म में नहीं बटकना चाहिए। और जो ये अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री है, जो उन्होंने एक अहम फैसला लिया है 370, हालांकि आपको भी पता लगा होगा आपके न्यूज़ चैनल से हो, 370 धारा हटाई है। कश्मीर में भी इसका बहुत जश्न मनाया जा रहा है। कश्मीर में जो आतंकवाद फैला हुआ था अब वो आतंकवाद नहीं रहेगा और जगह जगह ही आतंकवाद धीरे धीरे खत्म होता जाता है, खत्म हो रहा है। और मुझे ये कहता हूँ कि आतंकवाद पूर्ण रूप से खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि हम सब देश हैं, हम सब भारतीय हैं, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जी प्रणाली जी, आप इंडिया गेट पे आज खड़ी है, कितना आप शान के साथ घूमना चाहती है? बहुत शान से। जी कल 15 अगस्त है अपना देश एक हिंदी है, इसके लिए आप कितना सहमत हैं? आज आज शाम को बहुत आनंद किया, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पे जितनी डाइवर्सिटी है, मैं और भी देशों में गई हूँ वहाँ इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, इतने सारे डाइवर्स लोग एक साथ रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी बहुत बड़ी बात है जी। आइए हम जानते हैं उनके पत्र क्या नाम है जी आपका? जी सुरान जी, आप बताइए आप सर 15 अगस्त देशवासियों क्या शुभकामना देना चाहेंगे? खुशी है, एंजॉय कीजिए, सही
सही मायने में सबको अवेयरनेस किया है। प्रधानमंत्री बोले कि जो है देश में ये समझना चाहिए, आज देश भारत नहीं पूरा विश्व को समझना चाहिए कि इंडिया क्या जो है, क्या एक देश है, क्या एक कंट्री है। आखिर में देश के लिए जो है, देश की अगर सोचा जाए तो ऐतिहासिक जो पुरान हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं बहुत ही जुनून के साथ और बहुत ही अटूट बंधन के साथ बंधा हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पर प्यार से रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और उसी को लेकर 370 तरह से मोदी जी एक झटके में ख़त्म कर दिए 70 साल में। आज जो है कितना लोगों का लगाव है, आज पूरा विश्व, आज पूरा इंडिया खुश है। इसके लिए नौयुवकों में काफ़ी जोश जुनून के साथ 15 अगस्त मनाने की ज़रूरत है। शांतिपूर्वक कश्मीर में जिस तरह से जो है कश्मीर में 370 हटाया गया है, अब जो है मेरा नाम आनंद है जी। आनंद भैया आप ये बताइए, आप देश की जो है सबसे बड़ा आन शान बांध पे आप खड़े हुए हैं और देश की इंडिया गेट पर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कल 15 अगस्त है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी, हम यहाँ इंडिया गेट के सामने खड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। सैनिकों को शहीद की वार मेमोरियल है ना, इसके जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। और क्या बताना चाहते हैं देशवासियों को, शुभकामना के साथ बताइए। कल 15 अगस्त है, हम लोग पहली बार दिल्ली आ रहे हैं जी, तो यही देखने में मौका मिल रहा है। कल अगस्त 15 को लाल किला पे वो फंक्शन अटेंड कर रहे हैं जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। पास वास मिल गया आपको? हाँ, पास मिल गए जी, बहुत अच्छा है। और कौन कौन जा रहे हैं आपके साथ? हमारा फ्रेंड्स आ रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं जी। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं जी। बहुत खुशी है कि आप पहली बार पधारे हैं। कितना उम्र है सर आपका? 26 जी। 26 साल में आप जो है पहली बार पधारे हैं, इसके लिए दिल्ली वासियों के साथ और पूरे भारत के साथ आपका शुभकामना है कि पूरे परिवार के साथ और पूरे दोस्त के साथ आप यहाँ पधारे हैं, वो भी 15 अगस्त के दिन जी। 73rd इंडिपेंडेंस का शुभकामनाएं हैं जी। जिंदाबाद इंडियन आर्मी, जिंदाबाद वीर शहीद, अमर रहे अमर रहे अमर रहे वीर शहीद, अमर रहे अमर रहे अमर रहे वीर शहीद, अमर रहे अमर रहे। बच्चियों के साथ घिनौना हरकत हो रहा है या बर्दाश्त के बाहर है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से घिनौना हरकत, अत्याचार हो रहे हैं बच्चियों के ऊपर, हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आगे आप जो है सतर्क रहें। जय हिंद, जय जय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।